जब रोटी खाने का मन ना हो तो रोटी को ही मज़ेदार सी टेस्टी सी चटपटी सी रेसिपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी बच्चे या बड़े रोटी खाने से मना करें तो इजी सा रोटी का रोल बनाएंगे, बहुत आसानी से घर के सामान के साथ बनाएंगे, बहुत मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी है। बच्चे एक नहीं चार रोटी खा लेंगे, बिलीव मी। और इसमें हम डालेंगे कुछ हेल्दी वेजिटेबल तो बच्चों को खाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसानी से बन जाती है। आप इसे कभी भी किसी भी वक्त बना के चाय के साथ भी बना के एक रोल इंजॉय कर सकते हैं। ये हम मैदा से नहीं गेहूं की रोटी से बनाएंगे, तो है ना बहुत आसान सी रेसिपी। बाहर जो रोल खाते हैं वो मैदा के रोल होते हैं, तो उसे क्यों खाना, हम घर में ही रोटी से ही अच्छा खासा रोल बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूपालीज किचन कुकिंग एंड बेकिंग। मैं हूँ रूपाली और मेरे साथ मिलकर बनाते हैं ये मजेदार सी रेसिपी को। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम पे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं आज की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो रोल को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फिलिंग या स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे पनीर लिया है। ये फिलिंग जो है मैंने पहले से बना के रखी हुई थी क्योंकि मैं ऑलरेडी रोल बना चुकी थी, फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो फिर मैंने सडनली सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके आपको ये रेसिपी आपके लिए मैंने शूट करी है। तो ये मेरी फिलिंग तैयार है, बट मैं आपको बताती हूँ मैंने ये 50 ग्राम से 100 ग्राम आप पनीर ले लीजिए, उसमें हम डालेंगे। देखिए पनीर को हमने छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया है। इसमें हमने चॉप्ड टमाटो, चॉप्ड कैप्सिकम दो दो स्पून, हमने ज़्यादा नहीं बहुत छोटे छोटे पीसेस में, आधा से एक टमाटर और आधे से एक शिमला मिर्च, और प्याज आप डालना चाहते हैं तो ऑनियन डाल लीजिए। साथ में हम लेंगे कम से कम 3 से 4 चम्मच मेयोनीज और 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस। इन सब को आप मिला लीजिए। तो देखिए इतना जो मेरा कटोरी में आप मिक्सचर देख रहे हैं वो मिक्सचर बन जाएगा। फिर आपके पास जो भी फ्लेवर हो, मेरे पास पेरी पेरी मसाला घर पर था तो मैंने वो डाल दिया, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और साथ में हम डालेंगे ये ओरिगेनो या पिज़्ज़ा सीजनिंग, आपके पास होती ही है घर में। तो इससे क्या होगा ना, रोल में जो फिलिंग आप डालेंगे उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। चाट मसाला डाल लीजिए उसमें आप, साथ में स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और सबको मिक्स करके इस तरीके का आप फिलिंग तैयार कर लीजिए। तो है ना घर के सामान में ऑलरेडी ये सब हमारे घर में मिल जाता है, टमाटर प्याज पनीर भी इजीली हमारे घर में होता ही होता है। और मैं तो फ्रीज में पनीर के पैकेट्स रखती हूँ अचानक कुछ बनाने के लिए। तो आप भी ऐसे करके कभी भी इस टाइप की रेसिपी बना सकते हैं। तो इस कंसिस्टेंसी का हमने ये फिलिंग बना ली है। देखिए इसमें हमने मेयोनीज और सॉस डाला है ना, तो जिससे ये बहुत अच्छा सा एक जूसी सा फिलिंग बनके तैयार हो गया है। साथ में ये थोड़ी सी स्लाइस की हुई ऑनियन हम लेंगे और नींबू का रस जो रोटी को ऊपर से हम फिलिंग के बाद डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक या अदर मसाले अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल सा रोल बना रही हूँ इसलिए मैंने बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं। तो रोटी ले ली है मैंने यहाँ पर और अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और रोटी को इसके ऊपर रखेंगे एकदम लो फ्लेम पर। तो याद रखिए रोटी को हमें क्या करना है, इसको हमें एकदम क्रिस्पी नहीं करना है, बस हल्का सा गरम करना है, दोनों तरफ से सेकना है हल्का हल्का सा। तो मैं इस तरीके से दबा लूँगी, आप तवे में भी सेक सकते हैं, मेरे पास ये ग्रिल पेन था तो मैंने इसमें सेक लिया है। तो इस तरीके से दबा के मैं हल्का सा दोनों तरफ सेक लूँगी ताकि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए घी का भी, और आप बटर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई चटनी अवेलेबल हो, ग्रीन चटनी, तो आप वो भी स्प्रेड कर सकते हैं, आप सेजवान सॉस भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत सारे आइडिया आपको दे रही हूँ और मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अब ये फिलिंग रख रही हूँ, मैं इसमें कोई भी स्प्रेड नहीं लगा रही हूँ, आप कोई भी स्प्रेड लगा सकते हैं। साथ में हमने जो स्लाइस की हुई ऑनियन थी वो लगा लेंगे इसके ऊपर। देखिए कितने यमी ये अभी से दिखने लगा है जबकि इसमें कितना सिंपल हमने कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे मज़ेदार बनाने के लिए क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो थोड़ा सा चाट मसाला और साथ में डालेंगे नींबू का रस, तो देख के ही आपको मुंह में पानी आ जाएगा। इसके आप इसके ऊपर आप चॉप की हुई बारीक बारीक सी हरी मिर्च डालिए अगर आप चटपटा खाते हैं, और थोड़ा सा आप इसके ऊपर डाल सकते हैं धनिया या फ्रेश मिंट, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैं डाल रही हूँ। अगर आप बच्चे नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर दीजिए, और इसको इस तरीके से हम कर लेंगे फोल्ड। तो अच्छे से रोल कर को आपको फोल्ड करना है, इस तरीके से दबा लेना है ताकि आपकी फिलिंग बाहर ना आए, और बहुत आसानी से ये रोल हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और आपके रोल जो है ना
एकदम बाहर जो आप खाते हैं मैदा के रोल बनाते हैं वो जो अनहेल्दी होता है बच्चों के लिए, बट घर में इस तरीके के बना के देंगे ना आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे बना के रख सकते हैं, बहुत खुशी खुशी वो एक नहीं दो रोटी खा के आएंगे लंच से। तो इस तरीके से देखिए मैं पेपर से रैप कर ले रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप घर में सर्व कर रहे हैं तो बच्चों को ऐसे ही दे सकते हैं, बट चूँकि मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव दिखाना है इसे, वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में रैप कर लिया है। तो ये लीजिए हमारा रोटी का मज़ेदार सा रैप बोल लीजिए या रोल बोल लीजिए या पनीर रोल बोल लीजिए, मज़ेदार सा रोल बन के तैयार है। इसके ऊपर आप चाहें इसके अंदर आप और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं लाइक कॉर्न मटर जो भी आप बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आप क्विक और आसान सी रेसिपी है, बनाइए बच्चों को दीजिए इंजॉय करिए। इसी तरीके से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ। गाइज मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत बहुत सारी रेसिपी अपलोड हो चुकी हैं, प्लीज़ एक बार चैनल पर जाइए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। आप कुछ नई रेसिपी देखना चाहते हैं, कुछ नई रेसिपी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं पक्का आपके लिए वो रेसिपी लेके आऊँगी। इस तरीके से देखिए मैंने ये रोल बना के तैयार कर लिए हैं, अब आप इसे चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में रखिए या चाय के साथ या इवनिंग में या बच्चों को जब भी रोटी खाने का मन ना हो दोपहर में रात में, तो आप इस तरीके से आप उनको हेल्दी रोल बना के दे सकते हैं, है ना मज़ेदार सी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और एक बार इस रोल को ज़रूर बनाइएगा क्योंकि ये बहुत क्विक बन जाते हैं, बहुत जूसी होते हैं, आप देख सकते हो एकदम क्लोज लुक, तो बहुत टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।